दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में बीते दिन दीपावली उत्सव के दौरान हिंसा देखी गई और आज किस तरह से शांतिपूर्वक ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है दीपावली का, वो भी आप देख लीजिए। दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो दिए लेकर पहुंचे हैं गेट नंबर 13 के पास की आप तस्वीर देख रहे हैं। मुख्य गेट के पास जो स्टूडेंट्स हैं ये नजर आ रहे हैं। आप लोग सिर्फ ABVP के स्टूडेंट्स हैं या फिर आम स्टूडेंट्स? हम एक भारत के छात्र हैं, ठीक है, और भारत के छात्र के नाते हमें अपना पर्व मनाने का पूरी आज़ादी है। बट जामिया में कुछ कट्टरपंथियों ने कल ऐसे हरकत किए हैं जो मैं कभी नहीं जीवन में भूलूंगा। कल भी आपने ऐसी दिए जलाए? कल भी हम लोग शांतिपूर्वक दिए जला रहे थे, बट दिए जलाने के बाद होती क्या बात कि जब हम लोग शांतिपूर्वक दिए जब जला लिए तो कुछ कट्टरपंथियों ने हमारे दिए पर, रंगोली पर, कुछ उनके समुदाय के भी लोग थे पर वो दियों को पानी देकर बुझा दिए, प्लस उसमें रंगोली पर पैरों से मारे, दियों को पैरों से मारे, जो कि अपने आप में एक बहुत हीन भावना के वो लोग हैं। उनको मैं और मैं, देश 1947 का देश नहीं है, यह देश 2024 नरेंद्र मोदी का सरकार का देश है जो कभी नहीं फॉरगिव करेगा ऑल कट्टरपंथियों को। आई विल नेवर फॉरगेट देम द थिंग्स दे हैड डन। आप जामिया के स्टूडेंट हैं? यस, आई एम द जामिया का स्टूडेंट, मास्टर सेकंड ईयर, कॉन्फ्लिक्ट एनालिसिस एंड पीस बिल्डिंग का छात्र हूँ और मैं हॉस्टल में भी रहता हूँ और मैं हॉस्टल में भी कुछ हरकतें उनको देखा हूँ जो मैं कभी नहीं फॉरगिव कर सकता। देखिए बहुत गुस्सा है स्टूडेंट्स भी आपको नजर आएंगे। रियलिटी को एडमिट करने में मैं गुस्सा बिल्कुल नहीं हूँ। कुछ उन्हीं के समुदाय के लोग थे जो रंगोली में आकर बहुत, क्या लगता है स्टूडेंट्स जो है बाहर के भी थे कुछ? जी बाहर के स्टूडेंट भी नहीं थे, ठीक है, बाहर के स्टूडेंट जी नहीं थे। स्टेट चीजों में परमिशन दिया गया है, कोई बात नहीं, ये सब चीजें फिलहाल परमिशन मिल गई है आप लोग? परमिशन मिला हुआ है और अभी सारे बच्चों ने, हमारे सीनियर यहाँ पे सब लोग हैं, उन्होंने अपनी बात रख दी है। इमोशनल हो गया है, कोई ऐसी बात नहीं, हमारा परमिशन मिल गया। जो माहौल है आप लोग देख सकते हैं, इतना पुलिस प्रशासन में दो दिया जला रहे हैं। कल भी आप लोगों ने ऐसे ही आयोजन किया था, दिया जलाया? ऐसे ही शांतिपूर्वक ही आयोजन हम लोग करते हैं हमेशा। ये कल अचानक क्या हो गया? होता है, अनसोशल एलिमेंट्स आते हैं इस तरीके के। बाहर से आए थे आप? नहीं, हमारी तरफ से कोई बाहर का नहीं आया था, लेकिन इस तरीके का जामिया में आज का नया नहीं है, दोनों तरफ हिंदुस्तान के ही है, जो बाहर का कोई भी नहीं है। और दिवाली मनाने के लिए भी अगर परमिशन, ये रोशनी का त्यौहार है, मिठाई बांटने का त्यौहार है, किसी को मारने या काटने का त्यौहार नहीं है। आप जामिया से ही है सर? जामिया का एक स्टूडेंट रहा हूँ मैं, पास के गाँव सरायजुलेना में ही रहता हूँ। और जब कल मैं हैरान हुआ कि प्रशासन की मिली भगत से जो कार्यक्रम रोका, शांतिपूर्वक जो कार्यक्रम हो रहा था, इस वजह से हम लोगों ने आह्वान करा कि हम आएंगे और इनको रोशनी दिखाएंगे, क्योंकि ये अंधेरे में रह रहे हैं, ये आज भी उस काल में रह रहे हैं जब रोशनी नहीं होती थी। तो इसलिए हमने आज दिवाली मनाने का तय किया। पुलिस प्रशासन ने पहले हमें रोका था, लेकिन हमने कहा कि अगर ये बांग्लादेश नहीं है, हिंदुस्तान है, तो हम दिवाली मनाएंगे। और आज देखिए अब भी शांतिपूर्ण बन रही है। AIM वाले कह रहे हैं कि बाहर के लोगों ने आके अशांति फैलाई। कौन लोग थे सर, क्योंकि जो विजुअल्स आए वो बहुत डिस्टर्बिंग थे, आपने भी देखे, सारे देश ने देखे? सब जानते हैं अनसोशल एलिमेंट्स हैं, वो तो जामिया एडमिन और पुलिस उसकी जांच करे। मैं ओवैसी जी को इनवाइट करता हूं, अगर वो मानते हैं कि सेकुलर है, वो आए, हम साथ में दिवाली मनाएंगे और वो हमें बताएं कि हम किस बंदे ने आके यहाँ हरकत करी है। तो देखिए जामिया के तमाम लोग, फॉर्मर स्टूडेंट भी मौजूद हैं, जो मौजूदा स्टूडेंट्स हैं वो भी आए हुए हैं और इस तरह से दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं। जो एक पक्ष है, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, वो लगातार अपना पक्ष बता रहे हैं। उनका कहना है कि कल भी इसी तरह का जो दीपोत्सव का कार्यक्रम है वो आयोजित किया गया था, रंगोली है वो खूबसूरती से सजाई गई थी, लेकिन कुछ अनसोशल एलिमेंट्स उस आयोजन में पहुंचे जिन्होंने शांति भंग की। आरोप ये लगाया जा रहा है कि जिन्होंने दियों को पैर लगाया, जिन्होंने रंगोली को रौन दिया, जिस वजह से जो पूरी तस्वीर है वो हिंसा की बन गई और अशांति पूरे कैंपस में फैल गई, जो लगातार जो तस्वीरें हैं वो वायरल हुई। लेकिन उसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाई, प्रशासन ने इजाजत नहीं दी थी दीपावली के सेलिब्रेशन की, कई बार रिक्वेस्ट की गई, जिसके बाद अब जो पुलिस प्रशासन है उन्होंने स्टूडेंट्स को परमिशन दे दी है। और परमिशन देने के बाद आप देखिए दीपावली का जो उत्सव है वो मनाया जा रहा है। तमाम स्टूडेंट्स आपको लगातार हम लोग ABP News पर दिखा रहे हैं, जो कि दीपोत्सव में
भागीदारी देते हुए नजर आएंगे और सेलिब्रेशन करते हुए नजर आएंगे। जैसे कि स्टूडेंट्स बता रहे हैं, उनसे भी हम लोग बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर बीते दिन क्या हुआ था। तो स्टूडेंट्स का जो वर्जन है वो यही है कि कल भी इसी तरह का सेलिब्रेशन हुआ था, आयोजित किया गया था, जिसमें तमाम स्टूडेंट्स जुड़े थे, हजारों दिए जलाए गए थे, कुछ अनसोशल एलिमेंट्स ऐसे में आए, अज्ञात लोग ऐसे में आए जिन्होंने जो दिया है उनको बुझाने की, पानी से भी बुझाने की कोशिश करी, जिस वजह से दो गुटों के बीच में लड़ाई हुई। अब देखिए लड्डू भी आ गए हैं और दिवाली का त्योहार मिठाई के बिना अधूरा है, तो मिठाई अब जो है वो स्टूडेंट्स एक दूसरे को खिलाते हुए नजर आएंगे। और दिवाली बड़ी खुशी से, बड़ी शांति से, अब जो सोशल मीडिया पर जितनी भी तस्वीर थी वो कहीं ना कहीं अब पीछे छूटती हुई नजर आएंगे और आगे की जो तस्वीर है वो यही है कि शांति नजर आ रही है, खूबसूरत तस्वीर नजर आ रही है। ये जामिया की, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जो कि देश में बात करें तो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज में एक है, बहुत अच्छी रैंकिंग इस यूनिवर्सिटी की है। और जब भी इस तरह की खबर आती है तो जाहिर तौर में पूरे देश में इस बात को लेकर चिंता होती है, चिंतन होता है कि आखिर किसी भी यूनिवर्सिटी में ऐसा क्यों हुआ। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel, ABP Live Premium.